आप लोगों को बताने वाला हूं। हमारे साथ में इस एजेंसी के मिस्त्री हैं, ये बताएंगे कि ट्रैक्टर के हाउसिंग टूटने का क्या कारण होता है। तो हम किसान भाई से भी बात करेंगे कि आखिर एक्सल हाउसिंग टूटी तो क्यों टूटी। आप लोगों को किसान से भी बातचीत करवाएंगे और मिस्त्री हैं इनसे भी बातचीत करेंगे कि हाउसिंग टूटने का क्या रीज़न होता है, कैसे ड्राइविंग किया जाता है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये हैं मिस्टर हरीश, इनसे हम बातचीत करेंगे। इनको काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है, 15 साल का एक्सपीरियंस है इन्हें, छोटे पर से ही ट्रैक्टर बनाने का काम किया है, इनको बहुत अच्छा अनुभव है। ये आपको बताएंगे कि ट्रैक्टर को किस तरीके से चलाया जाता है, इसके बारे में इनको बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। किसान क्या बता रहा था आपको? किसान ने बताया कि ये ट्रैक्टर मेड़ से नीचे उतारा है मैंने, तो ज़्यादा टेपर हो गया जी जी, इस वजह से यदि या तो ट्रैक्टर पलट जाता या फिर इसकी हाउसिंग टूट जाती, तो हाउसिंग टूट गई ट्रैक्टर नहीं पलटा। तो हाउसिंग टूटने का क्या रीजन होता है, कैसे चलाया जाए? हाउसिंग टूटने का रीजन है कि ये ज्यादा टेपर हो गया मेड़ पे से उतारने। अच्छा अच्छा, तो खेतों में तो मेड़ वोड़ तो होती है, होता है, लेकिन हिसाब किताब से उतारना पड़ता है, जगह देख के उतारना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ज्यादा टेपर जगह होगी ना, इसी वजह से वो हाउसिंग टूट गई। अच्छा अच्छा, तो फिर बताएं कि हाउसिंग में लगभग क्या खर्चा जाएगा? कम से कम 10,000 रुपये। 10,000 रुपये की हाउसिंग आती है? नहीं, 8,500 रुपये। अच्छा अच्छा, आप लोगों का भी चार्ज होता है? नहीं, हमारे यहाँ लेबर चार्ज फ्री है। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ लेबर चार्ज फ्री है? वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात बताया आपने। आपके यहाँ मतलब लेबर चार्ज बिल्कुल लगता ही नहीं है? कोई लेबर? अच्छा, आपके यहाँ से गाड़ी गई है इसकी वजह से? नहीं, कोई स्वराज कंपनी का कोई भी ट्रैक्टर हो। अच्छा, स्वराज का भर ट्रैक्टर हो तो यहाँ पर लेबर चार्ज नहीं लगता, चाहे वो कितना भी पुराना ट्रैक्टर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोगों ने ये मिस्टर हरीश और साथ में तमाम मिस्त्रियों को से बातचीत करके आपको ज़रूर नॉलेज प्राप्त हुआ होगा कि आखिर ट्रैक्टर को कैसे चलावें, ट्रैक्टर की हाउसिंग टूटने का क्या रीज़न होता है, ये ज़रूर पता चला होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को हमारी यह वीडियो से ज़रूर नॉलेज प्राप्त हुआ होगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल ओरिजिनल ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बगल में दी हुई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाते रहता हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।